AAP chief and former chief minister of Delhi Arvind Kejriwal today said he will complain to Election Commission about the insulting advertisement released by BJP targeting his community This was BJP's third advert attacking Kejriwal who is a major challenge to it in the Delhi assembly polls Kejriwal said he did not react earlier when his children were used in BJP advertisements because he follows Anna Hazare who had taught him to be strong enough to bear insults However BJP has crossed all limits now Kejriwal added भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से अखबारों में इश्तहार निकाल रही है जिसमें वो मुझ पर निजी हमले कर रही है पहले उन्होंने ऐड के जरिए मेरे बच्चों पे निशाना साधा मैं चुप रहा क्योंकि अन्ना जी जैसे कहते थे कि हमें अगर हमारा कोई पर्सनल अपमान करे तो अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए मैंने कभी भी मुझ पर जब भी अपमान किया गया मुझ पर जब भी निशाना साधा गया मेरे बच्चों पर निशाना साधा गया मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया लेकिन आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है इसमें तो इन्होंने हद कर दी है उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गो गोत्र से हूं भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं ये तो बिल्कुल गलत है भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है और दिल्ली के लोग इस किस्म की गाली गलोज की राजनीति पसंद नहीं करते दिल्ली के लोग चुनाव वाले दिन इसका जवाब देंगे पावर्ड बाय एन एन आयस